हेलो दोस्तों, हम ईटिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे। हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले होता है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कर लिया था, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट भी कर लिया था। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बीटा इमिनो कार्बोक्सिलेट एसिड का हीटिंग इफेक्ट करने वाले। बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हीटिंग इफेक्ट है वो एज ए सिमिलर यानी होता है अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हीटिंग इफेक्ट है वैसे ही है। इसमें भी क्या होता है, हमारी होता है ट्रिक करने वाली है और ट्रिक से क्या होता है क्वेश्चन होने वाले हैं। अब ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले आसान तरीका देखिएगा। मान लीजिए पहले तो हम एक होता है कंपाउंड बनाने की कोशिश करें कि ये कंपाउंड है क्या। तो सबसे पहले ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एसिड है और यहाँ पर ये अल्फा है और बीटा पे क्या है, इमिनो ग्रुप है। तो इमिनो ग्रुप होता है ये और यहाँ पर मैंने लगा दिया सी एच थ्री ग्रुप। ये हो गया, ये लो। अब ये अल्फा इसके रेस्पेक्ट में ये फंक्शनल ग्रुप है। देखो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये क्या हो गया, गामा हो गया। यानी बीटा पोजीशन पे इमिनो ग्रुप है और यहाँ पर ये रिएक्शन कर रहा है। अब इसको क्या करना है, हमें हीटिंग इसका हीट करना है। जब ये हीट करते हैं तो इसकी जो होता है ये सी ओ टू मॉलिक्यूल क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। और इसको क्या करते हैं, लिख दिया जाता है, ये बन गए NH CH है जो है। ये जो होता है इसका नाम है इमीन। क्या नाम है, इमीन। अब इस इमीन का हम टोटोमेरिज्म करवा दे। देखो ये इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ CH। अब इमीन का क्या करवाना है, टोटोमेरिज्म करवाना। टोटोमेरिज्म कैसे होता है, टोटोमेरिज्म क्या होता है, नंबरिंग कर दी जाती है। यानी कि ये होता है वन नंबर, ये क्या होता है टू नंबर, और ये होता है थ्री नंबर। थ्री नंबर का हाइड्रोजन होता है वो पहले पे जाता है और सेकंड, पहले और सेकंड का जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, इस पे दूसरे तीसरे के बीच में चला जाता है। तो इसका जब टोटोमेरिज्म करवाते हैं तो ये बन जाता है, इसका नाम है इनामीन। इसका नाम क्या है, इनामीन। बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पहचानना है कि बीटा पोजीशन में इमिनो ग्रुप है या नहीं है, पहली चीज तो होगी। उसके बाद में हीटिंग इफेक्ट करना है। हीट जब इसको करते हैं तो यहाँ पर ये CO2 जो मॉलिक्यूल है इसको क्या होता है, बाहर निकल जाता है। CO2 मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकल गया। और CO2 मॉलिक्यूल से बाहर जाता है तो यहाँ पर इमीन यानी कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, इमीन बना। अब इमीन का जब टोटोमेरिज्म करवाते हैं तो हमारे पास है इनामीन बन जाता है। अब इस पे क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं वो देख लीजिए आप। पहले एक बार वापस देखते हैं, बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो होती है वो इसको हीट करते हैं तो यहाँ से CO2 जो मॉलिक्यूल है बाहर चला जाता है। यहाँ पर इमीन का टोटोमेरिज्म करते हैं तो क्या होता है, इनामीन बन जाता है। अब इस पे जो है वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये वाली बात देखिएगा। अब क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान है। सबसे पहले होता है क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह से जो है क्वेश्चन ये हीट का जो है, ये एक्चुअली जो ये चिन्ह है वो हीट का है। आप देखो मत इसको, क्या करो नोट डाउन कीजिए। आप देख रहे हो, मैंने क्या बोला, आप देखो मत इसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। आप देख रहे हो, उतार नहीं रहे, मेरे को पता चल रहा है। उतार पता भी देखे, उतारना है, नोटबुक लेना है, पेन लेना है और उसको क्या होता है, उतारना भी है। देख रहे हो,
ये लीजिएगा। अब इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमको पता है, बहुत आसान है ये। कैसे करेंगे इसके ट्रिक तो क्या होता है मैं बता दूंगा, आप उतार लीजिए। एक मिनट आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, उतारना है। आप उतार लीजिए, तुरंत उतार लीजिए, होते हैं तुरंत उतार लीजिए। इसकी ट्रिक क्या है, अब देखिएगा। सबसे पहले हमें पहचानना क्या है कि बीटा इमिनो, सबसे पहले पहचानना क्या है, बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, पहले तो ये पहचानना है। तो हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को लेते हैं। जब इस कंपाउंड को मेरे में कहते देखता हूँ तो मेरे माइंड में ख्याल आता है कि ये जो है वो एसिड है, तो ये क्या हो गया, अल्फा पोजिशन हो गया, और ये जो है इसकी क्या होगी, बीटा पोजिशन हो चुकी है। इसकी अल्फा पोजीशन बीटा, यानी बीटा इमिनो है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये CO2 मॉलिक्यूल जो है बाहर चला जाएगा और यहां पर जो है ये बन गया NH और NH। ये क्या बन गया, मैंने बोला बीटा की, बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बनता है इमीन। ये क्या बनता है, इमीन। जब इसको मैंने क्या करवा दिया, टोटोमेरिज्म करवा देता हूं। तो जब टोटोमेरिज्म करवाता हूं, ये नमने कर लेंगे वन, नमने कर लेंगे टू, नमने करेंगे तीन, यानी कि तीसरे नंबर का, यानी थर्ड नंबर का जो कार्बन हाइड्रोजन है वो पहले नंबर पे जाता है, और फर्स्ट और सेकंड पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, सेकंड और थर्ड के बीच में आ जाता है, यानी कि ये बन जाता है इनामीन बन जाता है, यानी इना, ये बन गया इनामीन। आई बात बहुत आसान, तो इसे हम बोलते हैं इमीन, इसे हम क्या बोलते हैं, इमीन, और इसे बोलते हैं इनामीन, इसे क्या बोलते हैं, इनामीन। ये कंपाउंड को देखिएगा, जब इस कंपाउंड को देखता हूं तो मेरे को पता है ये एसिड है, ये अल्फा पोजीशन है, और ये क्या हो जाएगी, बीटा। लेकिन ये बीटा है तो इधर भी तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका अल्फा ही हो जाएगा और इसका बीटा ही हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से देखेंगे तो बीटा अमीनो बन रहा है, मतलब इसका ये CO2 मॉलिक्यूल, इसका ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो यही बन जाएगा, मॉलिक्यूल यही है, ये बन गया। जब इसको टोटोमेरिज्म करवाते हैं तो बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो यही बन जाएगा। बहुत आसान, बहुत ही आसान है। अब ये वाला देखिएगा भाई, इन दोनों मॉलिक्यूल को यहां इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये अल्फा ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में देखिए अल्फा ये बीटा, यानी कि मतलब क्या है, ये बीटा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों है, दोनों के होता है मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे, यहां से ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर गया है, यहां से ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर गया है, यहां से ये भी जाएगा और यहां से क्या होता है ये भी चला जाएगा, और बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो होता है इमीन ही बनेगा, और ये बन गया भैया इमीन। और जब इसको टोटोमेरिज्म करते हैं तो यहाँ पर बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो इनामीन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, यानी बीटा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, यहाँ से ये भी है, यहाँ पर होता है ये मॉलिक्यूल भी बाहर चला जाएगा, और बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो इमीन ही बनेगा, और ये बन गया भैया इमीन। और इसको टोटोमेरिज्म करवाते हैं तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, इनामीन ही बन जाता है। ये लो, अब इन दोनों मॉलिक्यूल में होता है, यानी कि यहां पर ये अल्फा है ये बीटा है, इसके रेस्पेक्ट में ये होता है ये अल्फा ये बीटा, यानी कि ये मॉलिक्यूल भी जाएगा, ये भी CO2 मॉलिक्यूल जाएगा, ये भी जाएगा, और ये भी होता है ये मॉलिक्यूल भी चला जाएगा, और बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो इनामीन बनेगा, इमीन बनेगा, और इमीन बनने के बाद, इमीन बनने के बाद इसको टोटोमेरिज्म करवा देंगे तो यहां पर जो है वो इनामीन भी बन जाएगा। बहुत आसान है, यानी इतना आसान है कि ये होता है पहचान हमें आना चाहिए कैसे क्वेश्चंस हैं, यानी बीटा पोजीशन भी इमीन होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको ये, तो क्या होता है, आप नोट डाउन कीजिए, आपको एक क्वेश्चंस है इधर देखिए, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको ये मॉलिक्यूल अगर दे दिया जाए, मान लीजिए आप, और यहां है वो CO2 मॉलिक्यूल दे दिया जाए, क्या आप बता सकते हैं कि जब भी मैं इस मॉलिक्यूल को क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो क्या होगा? तो हमें पता है कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, यानी बीटा पोजीशन में भी नहीं है, यानी बीटा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो रिएक्शन भी नहीं होने वाली। मान लीजिए आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया जाए,
इधर देख लो, मान लीजिए आपको ये मॉलिक्यूल क्या होता है, दे दिया जाए ये मॉलिक्यूल है, तो आप बताओ कि इसको हीट करने पे क्या होता है, हीटिंग करने पे क्या होता है, क्या हमें इमीन मिल पाएगा? मोगलोला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और ये क्या होता है, डेल्टा है। डेल्टा पोजिशन में ये भी होता है हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है, आज हमने क्या होता है, यानी कि हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कर लिया है। यानी बहुत आसान है, ट्रिक क्या होता है, CO2 मॉलिक्यूल यानी बीटा पोजीशन में इमीन होगा, तो CO2 मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकालना है। और ये क्या होता है, आसान ट्रिक होता है, ये वाली होता है आसान ट्रिक है, और आराम से क्या होता है कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होता है इससे, बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ट्रिक्स भी आपके समझ में आ गए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई। अगर बताए हैं ये वीडियो अगर समझ में आई है तो बेल आइकन को दबाइए, और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को क्या बताए हैं, शेयर करना है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।